दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। एनआईएस डीएलएड के कोर्स सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग कोर्स 501 पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत इकाई 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक होगा एनसीईआरटी के कार्य। तो एनसीईआरटी की भूमिका हमने देखी थी और यहाँ पे एनसीईआरटी के कार्य हम लोग देखेंगे। दोस्तों इससे पहले के वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो जो हमारा यहाँ पे वीडियो है उसके नीचे में डिस्क्रिप्शन में पूरे कोर्स सीरीज का लिंक दिया हुआ है, जहां से कि आप ये पूरे कोर्स को देख सकते हैं। नंबरिंग वाइज यहाँ पे कोर्स दिया जा रहा है एक एक करके, और उसमें आपका जो भी छूटा हुआ है वहां से आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर, जो कि है एनसीईआरटी के कार्य। एनसीईआरटी के कार्य को अगर हम लोग देखें तो इसे कई विभागों में बांटा गया है। तो यहां पे पहला जो कार्य है वो है अनुसंधान। अनुसंधान के अंतर्गत क्या आता है? तो एनसीईआरटी स्वतंत्र रूप से तथा दूसरी संस्थाओं के सहयोग से शैक्षिक अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करती है। तो अपने इंडिपेंडेंटली एनसीईआरटी अपने तरफ से और दूसरे दूसरे संस्थाओं की, दूसरे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की मदद से शैक्षिक अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करती है। यह शोधकर्ताओं के लिए आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम आयोजित करती है तथा विद्यालय शिक्षा के शोध अध्ययनों को प्रोत्साहित करने के लिए शोध शिक्षावृत्ति प्रदान करती है। तो ये एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य में है। दोस्तों एनसीईआरटी का प्रमुख कार्य आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, जो 10 नंबर का आता है, जैसे कि आप विस्तार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो बस आप पॉइंट वाइज लिख देंगे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो हर पॉइंट देके आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरे कार्य पे अगर चले हम एनसीईआरटी के, तो वो है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के अंतर्गत क्या आएगा कि यह शैक्षिक श्री के विभिन्न स्तरों, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और प्रारंभिक माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक, और ऐसे क्षेत्रों जैसे व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, निर्देशन तथा परामर्श और विशेष शिक्षा में अध्यापकों के लिए सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना। तो ये प्रशिक्षण के अंतर्गत आएगा कि किस तरह से टेक्नोलॉजिकल, बिजनेस वाइज और तरह तरह की जो शिक्षा है जो आगे बच्चों के भविष्य के लिए काम आए, ये इस तरीके की शिक्षा प्रदान की जाए। ये दूसरा कार्य हुआ। पहला हमने देखा यहाँ पे अनुसंधान, दूसरा है प्रशिक्षण, तीसरा है विकास। तो यह विद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यचर्या या सिलेबस तथा अध्यापन सामग्री का निर्माण करती है या उनके आधुनिकीकरण करती है कि किस तरीके से उसे मॉडर्न बनाया जाए, अभी जो लेटेस्ट चीज है उसे कैसे उसमें इंक्लूड किया जाए, और उन्हें समाज की उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप बनाती है। तो यह शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विकास करती है, जिसमें शैक्षिक सहायक सामग्री तथा मूल्यांकन प्रविधियां तथा तकनीक सम्मिलित होती है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी जनसंख्या शिक्षा तथा निर्योग्य व्यक्तियों तथा अन्य विशेष समूह के क्षेत्रों में विकासात्मक क्रियाकलाप का दायित्व लेती है। तो किस तरीके से, जैसा कि अभी हमने देखा था पहले कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी के रूप में और बिजनेस के रूप में, व्यावसायिक शिक्षा के रूप में, तो ये सब में किस तरीके का यहाँ पे विकास किया जाए, उससे उसकी पाठ्यचर्या कैसी हो, ये यहाँ पे एनसीईआरटी के कार्य होते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण। तो यह पात्रता युक्त अभ्यर्थियों के लिए सेवा पूर्व अध्यापकों, अध्यापक शिक्षकों तथा अध्यापक शिक्षा से जुड़े अन्य कार्यकर्ताओं के सेवाकालीन शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। तो सेवा से पूर्व जो अध्यापक होंगे और अध्यापक शिक्षक और उनसे जुड़े जितने भी कार्यकर्ता होंगे, तो सेवा के समय में भी उनपे शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। तो ये आता है एनसीईआरटी के कार्य के अंतर्गत। अगला जो एनसीईआरटी का कार्य है वो है अभिमुखीकरण। तो अभिमुखीकरण क्या होता है कि यह विद्यालय शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों को शिक्षा में हुए नए विकास के से विचारों से, विचारधाराओं से तथा सभी विषयों में नए ज्ञान से अवगत कराने के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन करती है। तो यहाँ पे जितने भी लोग विद्यालय शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनमें किस तरीके का नया विकास हो, नई चीजें जो आ रही है उनकी जानकारी उन सबों को मिले, ये सब चीजों का यहाँ पे विश्लेषण किया जाता है और उसे किस तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिले, ये यहाँ पे देखा जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है अध्ययन, खोज तथा सर्वेक्षण। यह विद्यालय शिक्षा से संबंधित विभिन्न शोध, अध्ययन, खोज तथा सर्वेक्षण करने का दायित्व लेती है। तो नई नई जो खोज होती है और नया नया सर्वेक्षण होता है, तो वो किस तरीके से यहाँ पे एक अच्छे प्रारूप में चले और वहाँ पे विद्यालय का जो एक तरीका है वो सही तरीके से चले, वो यहाँ पे एनसीईआरटी के कार्य में आते हैं। यह उन्नत शैक्षिक तकनीकों तथा विधियों के विषय में सूचना,
तथा शोध निष्कर्षों का प्रचार प्रसार करती है। तो यहाँ पे आप यही देख रहे हैं कि जितने भी मॉडर्नाइज चीज़ें होती है, नई नई चीज़ें होती है, उसका प्रचार प्रसार कैसे शिक्षकों तक, विद्यालय शिक्षा से जुड़े सभी लोगों तक पहुँचाया जाए, इसका भी मेन कार्य करती है। आगे है सलाह। तो यह विद्यालय शिक्षा तथा अध्यापक शिक्षा पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को मंत्रणा देती है, सलाह देती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस तरीके से विद्यालय शिक्षा को आगे बढ़ा सके, यहाँ पे नई नई सुविधाएं ला सके, उसकी सलाह देती है। नीति क्रियान्वयन, यह भारत सरकार के कार्यक्रमों व नीतियों के क्रियान्वयन कार्यान्वयन से संबंधित रखती है। तो भारत सरकार के जितनी भी नीतियां हैं उनको किस तरीके से कार्यान्वित किया जाए, मतलब उसे कैसे लागू किया जाए, उसमें यहाँ पे वो मदद करती है। तो विभिन्न क्षेत्रों से संबंध इसका संबंध शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं से है। तो जैसे जैसे पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकें, प्रकाशन, परीक्षाएं, ये सब चीज़ें यहाँ पे एनसीईआरटी के द्वारा लागू की जाती है, इसमें मदद की जाती है। तो इन क्षेत्रों में यह शोध भी करती है कि इस उद्देश्य से कि शिक्षा के सभी स्तरों का गुणवत्ता में सुधार कैसे हो सके। और यहाँ पे एनसीटी के प्रकार के इस टेबल को अगर आप देखें, इस ग्राफ को देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चीज आपको याद रखना होगा और यही आप पॉइंट वाइज है, और इस पॉइंट को आप जितने अच्छे तरीके से बना सकते हैं अगर बड़े क्वेश्चन में आए तो। विकास, सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण, अध्ययन, खोज व सर्वेक्षण, नीति कार्यान्वयन, विभिन्न क्षेत्र, मंत्रणा, प्रचार प्रसार, अनुसंधान और प्रशिक्षण। तो ये चीजें यहाँ पे जो एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य में आते हैं दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रख लें। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय भूमिका। तो एनसीईआरटी विद्यालय शिक्षा से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां से समन्वय तथा सहयोग करती है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक जैसे कि वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, ये सब चीज़ें जो है एनसीईआरटी के साथ विभिन्न परियोजना पर कार्य कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो विद्यालय शिक्षा है या विद्यालय शिक्षा से जुड़े जो लोग हैं किस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, वहाँ पे जो सुविधाएं दी जा रही है, जो पढ़ाई दी जा रही है वो किस तरीके से अच्छा हो, दिन पर दिन बेटर हो, वो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पे तरह तरह के संगठन जैसा कि हमने अभी पढ़ा, यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब से कई कई परियोजना पे वो काम कर रहे हैं। और परिषद प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, अध्यापक प्रशिक्षण तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यक्रम करती रहती है। तो यहाँ पे अगर क्रियाकलाप में अगर आप देखें तो प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में एनसीईआरटी की भूमिका का उल्लेख लगभग 100 शब्दों में करें। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो यहाँ पे जो अभी हमने इससे पहले के टॉपिक में एनसीईआरटी की भूमिका पढ़ी थी वो यहाँ पे आप अच्छे से लिख सकते हैं कि एनसीईआरटी की क्या क्या भूमिकाएं हैं और एनसीईआरटी किस तरीके से कार्य करती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और अगला जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे राज्य स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की संगठनात्मक रचना, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग अगले टॉपिक में शुरू करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा उसे दबा देंगे तो आगे की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल मुफ्त में सबसे पहले मिलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में, दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।